नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो है राहुल गांधी का इंटरव्यू। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार बहुत छोटे मार्जिन पर है, यानी कभी भी गिर सकती है। ये उन्होंने दूसरी बार कहा। क्यों कहा, इसके क्या माने हैं, इस पर हम आज चर्चा करते हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रतिम मिश्री। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। है। डॉक्टर साहब, ये जो दूसरी बार आज राहुल गांधी ने कहा कि हम जब चाहेंगे सरकार को गिरा सकते हैं, इसका क्या मतलब है? देखो, ऐसा है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि किसी तरीके से ये सरकार जो है एक डर के साए में काम करे, और उसके पीछे एक उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेटजी काम कर रही है। और चाहते हैं कि मोदी सरकार की या विशेषकर मोदी की छवि जो है उसको एक्सपोज किया जाए। इन लोगों को क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की सीटें कम हुई हैं और जिस तरीके से मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया और उसके बाद सीटें कम हुई हैं, तो इनको लग रहा है कि मोदी का जो जो एक मैजिक था, मोदी मैजिक, वो कम हुआ है। और अब इनकी कोशिश ये है कि बार बार इस तरीके से बातें करके उनके उस मैजिक को और कम किया जाए, जनता में उनकी छवि को नुकसान पहुँचाया जाए। दूसरी बात क्या है कि इस ये बात सही है कि NDA के अंदर जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल हैं, उनमें असंतोष है, और वो सारे के सारे दलों में से कुछ न कुछ नेता जो है इन लोगों के संपर्क में है। TDP के नेता भी इंडिया गठबंधन के लोगों के संपर्क में हैं, और जनता दल UK भी हैं, और ये तो दोनों बड़े पार्टनर हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो छोटे दल हैं, जैसे जयंत चौधरी वाला है, या वहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट है, या इस तरीके के और छोटे छोटे इस तरीके के लोग भी हैं, इनमें भी एक असंतोष है, और विपक्ष इसी की तरफ देख रहा है, और उनको लग रहा है कि कभी ना कभी ये असंतोष बाहर निकल कर आएगा, सार्वजनिक होगा, और जब सार्वजनिक होगा तब सरकार के लिए खतरा होगा। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो अध्यक्ष पद को लेकर बैठकें चल रही हैं, और JDU ने तो कह दिया कि हम BJP को सपोर्ट करेंगे, लेकिन TDP की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। क्या राहुल गांधी के बयान को और TDP की जो रवैया है उसको कहीं हम कोलैबोरेट, कहीं जोड़कर देख सकते नहीं, हैं क्या? देखिए, TDP का बयान ही नहीं आया है, बल्कि अभी जो राजनाथ सिंह के यहाँ बैठक भी हो रही है, सहयोगी दलों को भी बुला रहे हैं, तो उसमें दो तीन दलों के नेता ही आ रहे हैं, उसमें TDP का कोई नेता नहीं जा रहा है। आप हाँ, इस चीज़ नहीं, देखिएगा। कल राम मोहन राव तो थे। हाँ अच्छा, कल बुलाया था तो, थे, लेकिन लेकिन उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया। हाँ, बयान नहीं दिया। हाँ TDP अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, और TDP जहाँ तक मुझे लगता है कि लास्ट तक जो है सस्पेंस बना के रखेगी। वैसे एक चीज़ मैं और बताऊँगा आपको कि राहुल गांधी बयान भले ही दे रहे हों, दो बार वो कह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, कांग्रेस अभी ये नहीं चाहती कि अभी सरकार गिरे, और ना ही वो इस तरीके का कोई प्रयास करेगी। कांग्रेस की पूरी कोशिश है, कांग्रेस क्या पूरे विपक्ष की कोशिश है, और विशेषकर कांग्रेस की कोशिश है। विपक्ष में कुछ दल ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि सरकार को जल्दी से जल्दी गिरा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, और विशेषकर राहुल गांधी, इस जल्दबाजी के पक्ष में नहीं है। उसके पीछे जो राजनीति है या जो रणनीति है, वो ये है कि किसी भी तरीके से सरकार क्या, बल्कि मोदी की एक छवि को एक्सपोज किया जाए, खराब किया जाए, क्योंकि एक मोदी की छवि है कड़क मिजाज लीडर की। जब गठबंधन में वो सरकार चलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, समझौतावादी नीति करनी पड़ेगी। तो उस स्थिति को वो आगे बढ़ाते हुए उनको लगता है कि थोड़ा सा इनको टाइम दिया जाए। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत जल्दी है इनको सरकार गिराने की, लेकिन एक वो दबाव की रणनीति के तहत और एक डराने की रणनीति के तहत वो इस तरीके की हाँ, बात कर रहे मुझे हैं। लगता है कि ये जो है साइकोलॉजिकल हाँ, वार है कि इनको डरा के रखो, और जो इनके सहयोगी दल हैं उन पर उनमें मैसेज भेजो उनके 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 पास कि हम पीछे खड़े हैं अगर यहाँ तुम्हारी बात नहीं बनती है। क्योंकि ये बात बार बार आ रही है कि सहयोगी दलों को न तो उचित मंत्रालय मिले हैं, न उनको उचित प्रतिनिधित्व मिला है, और स्पीकर पद को लेकर भी जो सहयोगी दल हैं उनसे बात जरूर की जा रही है, लेकिन उनको उनसे बात की जा रही है कि स्पीकर BJP का ही होगा। देखो क्या है ना, ये एक व्यक्तित्व की भी लड़ाई है। अभी पिछले 8-10 सालों से देखा जाए तो मोदी के व्यक्तित्व के सामने विपक्ष के सारे लोग बहुत बौने नजर आते थे। अब ये लोग क्या चाहते हैं, राहुल गांधी वगैरह ये चाहते हैं कि इस तरीके से अटैक किए जाएं, इस तरीके से डराया जाए, इस तरीके का माहौल पैदा किया जाए कि मोदी एक, मतलब मोदी की एक जो कड़क मिजाज वाली छवि, वो कमज़ोर नेता की छवि हो, और उस वजह से ये जो व्यक्तित्व का लड़ाई चल रही है, इसीलिए बार बार ये बयानबाजी दी जा रही है। हालांकि देखिए, राहुल का ये कहना जो है, राहुल जैसे व्यक्ति का या बड़े इतने बड़े नेता का इस तरीके से कहना, तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि छोटे दल जो है, अब मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ, सबसे बड़ा जहाँ लोगों की नज़र नहीं जा रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा में बहुत असंतोष है, बिल्कुल और ममता बनर्जी उस असंतोष का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार हैं।
किसी भी दिन आपको बड़ी चौंकाने वाली खबर वहां से मिल सकती है, और वहां पे इनके 12 सांसद आए हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि पिछली बार भी जो बड़े बड़े नेता आए थे, चाहे वो मुकुल रॉय वगैरह हों, वो वापस फिर टीएमसी में चले गए। तो नहीं नहीं उन सांसदों पे भी डोरे डाले जा रहे हैं। अभी अभी ममता जी ने मुलाकात भी की है वहाँ राज्यसभा की। वहाँ मुझे लगता है कि दबाव की भी राजनीति हो रही है, जिस तरह से वहाँ हिंसा हो रही है, और जो जिन लोगों ने बीजेपी को वोट डाला या बीजेपी समर्थित है उनके घरों में जो पथराव हो रहा है या हिंसा हो रही, शायद ये भी कारण हो सकता होगा कि वहाँ नहीं, वो कारण के साथ साथ जो है दूसरे क्या है, भाजपा में भी यहाँ से भी जो असंतोष है उसमें कई लोगों को नोटिस दिए गए, तो यहाँ से जो नोटिस दिए जा रहे हैं उनको वो और ज़्यादा हवा दे रहे हैं। इसके अलावा जो भाजपा के कद्दावर नेता वहाँ राज्य की राजनीति में, उन पर ममता जी डोरी डाल रही हैं, और ये भी बड़ी रणनीति के तहत किया जा रहा है कि मतलब 12 सांसद हैं, 12 में से अगर 4-5-6 तोड़ लिए उन्होंने, ठीक है ना, तो ये संख्या बीजेपी की कम हो जाएगी। अभी बीजेपी की देखिए पिछली बार से 303 से 240 आए, है ना, 63 सीटें वैसे ही कम आई हैं। अच्छा मार्जिन जो सरकार को लेके भी है कोई बहुत ज़्यादा थोड़ा ही है, इनके 234 हैं उनके 293 हैं, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा ये अंतर नहीं। अब उसमें मैं बताऊँ आपको, जैसे एक मैं और उदाहरण दूँ आपको, जनता ये रालोद के अंदर जो है, रालोद के दोनों सांसदों में बहुत असंतोष है। असंतोष के पीछे ये है कि उनको ये लग रहा था कि भाई हम दो जीते और अगर कोई मौका मिलेगा तो हमको कुछ मौका मिलेगा। महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा है, ठीक है, निष्ठाएं उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जब मौका आया तो जयंत चौधरी खुद मंत्री बन गए, छोटे चौधरी, ठीक है, तो वो छोटे चौधरी बन गए। अब वो दो सांसदों को तोड़ने में कितनी देर लगेगी? बिल्कुल, अगर उनका तो इतिहास रहा है। अच्छा फिर क्या गठबंधन की सरकार में देखिए क्या है, सब गिवन एंड टेक का होता है कि किसको आप क्या दे रहे क्या दे रहे। हाँ, जिसको मिलेगा कि हमको यहाँ ज्यादा फायदा हो रहा है, फौरन आदमी वहाँ पे धीमे से चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं डर तो है, और क्षेत्रीय ऐसे ही यही आपका जो है वहाँ पे रहे, महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र में तो बहुत डेवलपमेंट चल रहा है। अब आप क्या समझ रहे, जनता दिल्ली में, बिहार में भी अंदर बहुत असंतोष है, क्योंकि बहुत और ऐसे दावेदार थे जिनको लग रहा था, अपेक्षा थी कि नीतीश जी हमको मौका देंगे गठबंधन की सरकार में, लेकिन मौका उन्होंने ललन सिंह को दिया। तो जो छोटे दलों के अंदर का असंतोष है, इंडिया गठबंधन के नेताओं की निगाह उस पर भी है, और प्लस जो ये बड़े दल दोनों हैं जिन जो मतलब मुख्य जिनकी उस पर चल रही है सरकार, टीडीपी और जनता दल यू, इन दोनों के नेता लगातार विपक्ष के संपर्क में है। तो यूं ही आप इसको मतलब बहुत हल्के में नहीं कह सकते, लेकिन ये बात एक जरूर तय है कि अभी कांग्रेस जो है बहुत जल्दबाजी में नहीं है सरकार गिराने की। वो चाहती कि अपने अंतर विरोधों से, अपनी उससे कलह से अगर ये सरकार गिर जाती तो ठीक है, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास नहीं करेंगे। मुझे लगता है अभी 6 महीने का टाइम देने के मूड में है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बात और है जो हम कल भी हमने डिस्कस किया कि अभी लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष का नेता के नाम पर कांग्रेस में सहमति नहीं बनी है, और राहुल गांधी ने कल तो हाँ नहीं कही थी, क्या आज इसमें क्या डेवलपमेंट है? क्योंकि आज 19 तारीख हो गई है और 24 से पहले इनको लोकसभा अध्यक्ष को अपना नाम देना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा। नहीं, अभी कोई सहमति नहीं बनी, अभी मनाने का क्रम जारी है। आज तो जश्न की तैयारी थी, राहुल गांधी का जन्मदिन था तो जश्न मनाया जा रहा था, तो आज कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो अंदर की बात है, जो सूत्र बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि अभी तक राहुल गांधी तैयार नहीं है। हालांकि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या और बड़े नेता हैं, उन लोगों को उम्मीद है कि शायद वो मान जाएंगे और उनको बनाने की, और बल्कि खड़गे साहब ने तो एक मजाक में ये भी कह दिया कि अगर आप नहीं मानोगे तो मैं आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दूंगा। तो हालांकि वो तंज कसा है। लेकिन अभी मतलब अभी तक की स्थिति है कि अभी कोई उसमें नया डेवलपमेंट नहीं, अभी वो असमंजस में है और कोई मतलब उन्होंने हामी नहीं भरी है। और डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि एक दो दिन में चीजें तस्वीर साफ हो जाएगी। एक और आज महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटा कि हरियाणा की जो बंसीलाल परिवार है उनके परिवार से किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं, और हरियाणा में जो जिस तरह से कांग्रेस ने उभार लिया है वहाँ, जो पिछली बार 0 सीट थी इस बार 5 हो गई है, तो ऐसा लग रहा है कि जो विधानसभा के चुनाव अक्टूबर में होने हैं तो उसमें ऐसा मान के चल रहे हैं कि शायद कांग्रेस की सरकार बन सकती है राज्य में। तो बीजेपी ने तोड़फोड़ शुरू कर दी है और उस परिवार को तोड़ना क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस को इसका? नहीं नहीं, मैं बताऊंगा आपको, इसमें बीजेपी ने तोड़फोड़ शुरू नहीं की है। बेसिकली ये लड़ाई जो है वहाँ राज्य स्तर के नेताओं की लड़ाई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेज आदर्श की लड़ाई है। हुड्डा साहब ने पिछले 8-10 सालों में बड़े बड़े वहाँ के धुरंधरों को, एक तो भजनलाल के परिवार को निपटा दिया, ये बंसीलाल के परिवार को निपटा दिया, है ना, वो वहाँ वर्चस्व राज्य स्तर के नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। तो उसमें ऐसा नहीं कि बीजेपी ने बहुत तोड़फोड़ की, बेसिकली ये चुनाव के टाइम पे इनको टिकट विकट का मामला था, इनको टिकट नहीं दी गई थी, तो ये वैसे विरोध में चल रही थी। श्रुति को टिकट, और मैं एक चीज़ और बताऊँ, अब आप इनका वो पुरानी बातें छोड़ दीजिए, अब इनका कोई बहुत जनाधार बचा नहीं है वहाँ पर, है ना,
इसीलिए वो लोग वहाँ के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और इस समय पूरी कांग्रेस हरियाणा के अंदर पूरी कांग्रेस जो है वो हुड्डा कैंप में सिमटी हुई है, और इन लोगों से कोई फर्क पड़ता नहीं, इनको मनाने के भी प्रयास नहीं किए गए, और उस समय भी इनको बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान। तो मुझे लग रहा है कि इससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, कांग्रेस की संभावनाएँ मजबूत हैं और आगे मतलब लगता है मुझे कि कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। जी, तो आज जो हम करंट इशू थे उस पर हमने डिस्कस की, आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और अगर आप हमसे कोई और विषय पर चर्चा चाहते हैं, राजनीति चर्चा चाहते हैं, तो ज़रूर अपने सुझाव दीजिए। और डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।